हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित सीआईबी का एबीएम है। यूनिट नंबर वन है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है क्या नहीं होता वो थोड़ा सा समझते हैं। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जो डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ और यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। यानी इकोनॉमिक्स उस भाषा को हम बोलते हैं जहां पे कि प्रोडक्शन के साथ डील करता है, वो एलोकेशन के साथ और उसका कितना गुड्स और सर्विसेज को यूज किया जाता है। फिर इकोनॉमिक्स को अगर आप दूसरे भाषा में बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स एक तरीके का साइंस होता है। इकोनॉमिक्स का एक तरीके का साइंस है जहां पे स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा और उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इंड्स और स्कार्स। इंड्स मतलब बहुत ज्यादा सामान है, स्कार्स का मतलब अगर सामान की कमी है, और साथ ही साथ क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब ये हो गया कि आपको प्रोडक्शन के साथ बात कर रहे हैं, एलोकेशन के साथ बात कर रहे हैं या किस तरह के गुड्स और सर्विसेज को यूज करना है। फिर इकोनॉमिक्स जो होता है आपको एक तरह का साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, जहां पे उसको रिलेशनशिप समझना होता है इंड्स और स्कार्स मीन्स के साथ और कैसे उसका अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। एडम स्मिथ का ये, तो एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उनका एक बुक आया था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1776 में, जो कि डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वेल्थ डिफाइन किया है एडम स्मिथ ने। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एडम स्मिथ ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना स्टडी है आपका, क्या चीज का स्टडी करते हैं आप, क्या चीज की पढ़ाई है, तो वेल्थ कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा इसका पढ़ाई है, साथ साथ वेल्थ को कैसे कंज्यूम करते हैं इसका पढ़ाई है। इसलिए इनका डेफिनेशन को बोला गया है वेल्थ डेफिनेशन। इनके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और यहाँ का ह्यूमन वेलफेयर उसको स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करते हैं, इसलिए इनका डेफिनेशन को बोला गया वेलफेयर डेफिनेशन। उसके बाद आया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि एडम स्मिथ को सबसे, एडम स्मिथ को वैसा इंसान माना जाता है कि वो एक फाउंडर हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर हुए। ठीक है, और यहाँ जो ब्रांच इकोनॉमिक्स का वो डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ या इंडिविजुअल इंटिटीज के साथ, नॉट बिहेवियर, इंटिटीज के साथ। उदाहरण के लिए हो गया फर्म, इंडिविजुअल, मार्केट, हाउस होल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके का ब्रांच इकोनॉमिक्स है जहां पे कि आप स्टडी करते हैं कि किस तरीके का घर का सामान और जो फर्म होता है वो आपस में डिसीजन लेते हैं कि हमको कितना सामान चाहिए या कितना हमको बनाना है। ठीक है, जहाँ पे वो रिसोर्स को लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, फिर कितना गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है या फिर आपको एग्जामिन करके बताता है कि मार्केट बिहेवियर कैसा होगा किसी भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का और फर्म का, जहां पे समझने की कोशिश किया जाता है क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा फर्म्स का और हाउस होल्ड्स का। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ये वो ब्रांच है साइंस का या ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जहां पे आप पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक या ओवरऑल परफॉर्मेंस सब समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका, पूरा इकोनॉमी का समझने की कोशिश करते हैं या फिर कंट्री का ओवरऑल परफॉर्मेंस समझने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, यह टर्म जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सुन रहे हैं यह टर्म 1936 या उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद जब जॉन माइनार्ड काइन्स आए तो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उस समय से ये वर्ड आने लगा क्योंकि उनकी बुक में एक टर्म मेंशन था मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म आया 1936 में। ठीक है, यहाँ पे एक मेगा ऑफर है और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जेआईबी और सीआईबी कोर्सेज कराई जाती है, सारी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। इसकी वैलिडिटी जो रहेगी लाइफ लॉन्ग रहेगी। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन पेपर करते हैं जिसका प्राइस है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपये। अगर आप जेआईबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं यानी तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपये और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपये।
ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया www.jvsavvystudymaterial.com। ईमेल आईडी हो गया seedsina123@gmail.com।